चाइनीज ऐसे, ये जो ये पता नहीं कौन शक्ल का है, ये अंडा शक्ल का घूम रहा था। तो इस चाइनीज को रडार हो गया या फिर हमारे सेटेलाइट वगैरह से देखकर इसे पकड़ लिया गया। अब भारतीय सेना ने इन्हें क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने इन्हें लौटाना पड़ता है। ये कहता है कि हम गलती से चले आए थे, और हालांकि ये सब जासूसी करने आया होगा ताकि भारत की तैयारी कैसे है, क्योंकि उधर जिनपिंग कहें कि चीन की सेना तैयार रहो, हम लोग की सेना भी तैयार थी, पकड़ लिया इसको यहाँ पर। अब भाई देखना है कि भारत क्या करते हैं। हालांकि कई भारतीय भाई भारतीय लोगों को चीन के बंदरगाह पर अवैध रूप से पकड़ लिया गया, तो भारत सरकार कह सकती है कि भैया तुम उनको छोड़ो तब तो हम इनको छोड़ेंगे। हालांकि यहाँ भारत ये कह नहीं सकता, लीगली ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में समझौता है कि जब हमारा या आपका कोई आदमी एक्सचेंज हो जाए तो आपको उसे आराम से लौटा दीजिएगा। तो ऐसे देखे होंगे चाइना ने भी लौटाया था, लेकिन 10 दिन टाइम लगा दिया था अरुणाचल प्रदेश के लोगों को। तो हमारा तो यही कहना है कि भाई साहब ये जो चाइनीज इधर आए हैं सब, ये जो एगो आ गया है, इसको भारत सरकार को कहना चाहिए कि तुम चाउमीन बनाओ और हमारी सेना को खिलाओ, क्योंकि चाइनीज चाउमीन बहुत अच्छा बनाते हैं। इस ससुरा का शक्ल देख रहे हैं, अंडा की तरह लग रहा है। भारत में रहता तो इसको देख के तो अगुआ भाग जाता, इसका ब्याह ही नहीं लग पाता यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, हम लोग इसे लौटा देंगे। खैर ये चाइना के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि देख लो भैया हमारी तैयारी कैसी है, तुम्हारा ये नारियल छुआड़ा जो उधर से भेज रहे हो हम लोग उसको भी पकड़ ले रहे हैं, इसलिए गलती से भी मत आना, वरना हम लोग यहाँ तुम लोग से मार मार के ठंडी में चाउमीन खाएंगे। खैर आप इसे समझ गए होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।